इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख रहे हैं। कल जो हमने सेट ऑफ एंट्रीज लिखी थी 8, 6 लिखी थी, पर वो मैंने बताया था कि 8 कैसे हो जाएगी, जितने कॉल्स होंगे उसके हिसाब से एडिशनल दो दो एंट्रीज ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोलेगा, शैलजा कंपनी लिमिटेड इशूड 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच ऑन विच द अमाउंट होल्ड अप वॉज एज अंडर। पैसा कितना कितना मंगवाया, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए, और अमाउंट्स कॉल्ड अप ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और बाकी सारे के सारे अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्री पास करने से पहले एक काम हमको करना पड़ेगा, हमेशा क्या काम करना है, एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। वो वर्किंग कैसे होगी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन कितने शेयर की मंगवाई वो लिखेंगे, एप्लीकेशन कोड 240,000 शेयर पर हमने पैसे मंगवाए, एक फिक्स फॉर्मेट होगा, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम और इशू प्राइस, बराबर। अब फेस वैल्यू टोटल शेयर का कितना है, 10 रुपए, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो कितना आएगा, 0 = 10। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवाए, 2 + 0 = 2, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवाए, सॉरी ये एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए मंगवाए ना, यस एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए मंगवाए, तो 3 + 0 = 3, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए मंगवाए हैं, 3 + 0 = 3, और फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगवाए, 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए, कोई भी प्रीमियम नहीं है इसलिए ये हमेशा 0 आएगा, और 2 2, टोटल हो गया कितना, 10 रुपए। अब हमको जब पैसे आते जाएंगे वैसे एंट्री करते जाएंगे, बट इस सब में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा पैसा आ गया है, तो हम लोग डायरेक्टली एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 2,40,000 शेयर है इंटू कितने रुपए मंगवाए, तो 7,20,000 रुपीज हमको रिसीव होंगे। टू, हमने बोला था टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, कितना, 7,20,000। सेकेंड एंट्री, अब जब पैसा आ गया और हमको मालूम पड़ गया कि सारा जितना पैसा हमने मंगवाया था सारा ही रिसीव हो गया, तो हम क्या करेंगे, सारे शेयर अलॉट कर देंगे, तो ये टेम्पररी अकाउंट जो बनाया था उसको क्लोज करेंगे, क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, कितना, 720, और ये जो पैसा मंगवाया था किस बात का मंगाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 720,000, कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो हमारी नॉर्मल तरीके से एंट्रीज होगी। तो अब हमारा फर्स्ट सेट ऑफ एंट्री हो गया, एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया क्लियर। अब करेंगे हम अलॉटमेंट वाला पार्ट, तो अलॉटमेंट में फिर से थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, देखो कितने रुपए मंगवाएंगे, 2,40,000 शेयर पर कितने, 3 रुपए, अगेन 720, और ये पैसा जो मंगवाया है किस बात का मंगवाया है, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का मंगवाया, तो एंट्री क्या लिखेंगे, 2, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 720। ये तो हमने पैसे मंगवाने की एंट्री पास की, किसकी एंट्री, पैसा मंगवाने की एंट्री। अब जब पैसा आएगा तब क्या एंट्री पास होगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसी ने नहीं दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया हुआ नहीं, हमको पूरा पूरा पैसा जितना मंगवाया था सारा ही रिसीव हो गया, तो 7,20,000, और जो हमने टेम्पररी अकाउंट बनाया था शेयर अलॉटमेंट वाला, वो क्या कर देंगे, क्लोज, 2, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, कितना, 720। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। अब हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। जिस तरीके से अलॉटमेंट में पैसा मंगवाया उसी सेम तरीके से हम फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाएंगे, और यहाँ पे इस बार कितना है, 2 रुपया, तो एंट्री क्या पास करेंगे, फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, 2,40,000 × 2, कितना,
480 टू, ये पैसा की किस बात कही है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कितना 480। सिक्स एंट्री, जब पैसा आ रहा है तब की बात कर रहे हैं एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 480, और जो टेंडरी अकाउंट ओपन किया था इक्विटी शेयर फर्स्ट को ला रहा, वो क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेयर 240 और हर शेयर पे कितना रुपए मंगा रहे हैं 2 रुपीज, टू वही इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 480 और आठवीं एंट्री, अब जब पैसा आ जाएगा उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 480 टू टेम्पररी अकाउंट को क्लोज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 480। ये तुम्हारी आठ एंट्रीज जनरली होने वाली है, कितनी आठ एंट्रीज जनरली होने वाली, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, निसर्ग फार्मा लिमिटेड ऑफ गांधीनगर इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर, द अमाउंट वाज कॉल्ड अप एज अंडर। देखो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है और 40 रुपए प्रीमियम पे बेचा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने पहले वाले सवाल में वर्किंग बनाई थी, क्या बनाई थी, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इक्वल टू इश्यू प्राइस, बराबर। इस सवाल में क्या बोला, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने 80,000 शेयर, 80,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिसकी प्राइस कितनी है, देखो टोटल 10 रुपए फेस वैल्यू है, 40 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50, मतलब हम शेयर होल्डर से कितना लेने वाले हैं 50 रुपए, 10 रुपए का शेयर और 40 रुपए का प्रीमियम, ऐसा करके टोटल रुपए कितने लेने वाला हूं मैं 50 रुपए, बराबर। अब ये 50 रुपए किस तरीके से मंगवाना है, तो दिया नीचे विद एप्लीकेशन 14 पर शेयर, जो एप्लीकेशन है उस पे कितना रुपए मंगवाना है 14%, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितना 10 रुपए प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू का कितना होगा सिर्फ 4 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, अलॉटमेंट पे 33 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना 33 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम है और 3 रुपए क्या है फेस वैल्यू का पैसा है। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल, जो फर्स्ट है वही फाइनल है, मतलब एक ही कॉल है, बराबर। कितने रुपए मंगा रहे हैं उसमें हम लोग 3% और प्रीमियम इधर होने वाला ही नहीं है, टोटल 10 हो गया, 10 और 30 40 हो गया, 14 33 और 3 50 हो गया। तो इस तरीके से हम पैसा मंगवाने वाले हैं। आगे हमको क्या बोला, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर। देखो ये तो 80,000 के लिए मंगवाया, कॉल्ड कितने के लिए किया हमने, कॉल्ड फॉर 80,000, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई 85,000, जिसपे हमको कितना रुपया आया होगा 14 रुपए के हिसाब से कितना रुपया आया होगा, मल्टीप्लाई करो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 14 11,90,000 रुपीज हमको रिसीव हुआ। तो मैंने तुमको बताया था कि जब एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो क्या करना है, हमको 5,000 जो शेयर है उसकी एप्लीकेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, उनका पैसा हमको क्या करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा, ये तो फिक्स बात है, बराबर। हम एडजस्ट कितना कर पाएंगे सिर्फ 80,000 शेयर पर, कितना रुपए 14 रुपए करोगे मल्टीप्लाई 11,20,000, और जो 70,000 एक्सेस आया है उसको हम क्या कर देंगे, और ये रिफंड कैसे करेंगे बैंक से, बराबर। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमको, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, जो मैंने बोला वही, और उसका पैसा रिफंड कर दिया। आगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट
एंड कॉल वर कॉल्ड अप ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन ऑल शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर हेल्ड बाय देवामी। बराबर, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक देवामी नाम का शेयर होल्डर है, ठीक है, उन्होंने 2000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों ही का पैसा नहीं दिया। बराबर, तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, इसी सवाल को हम ऐसे अजम्पशन से कर रहे हैं कि सारा पैसा रिसीव कर लिया, सो देट तुम्हारा एक प्रीमियम वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बाद में हम इसको पिक्चर में लेके आएंगे। अभी हम क्या मान रहे हैं, अभी इस सवाल में हम इतना मान रहे हैं कि सारा पैसा मंगवाया, सारा पैसा आ गया, अभी हम देवामी का पॉइंट भूल जा रहे हैं। बराबर, तो इसी सवाल के अंदर हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि सारा पैसा आ गया, सब कुछ रिसीव हो गया, तो कुछ भी दूसरा करने की जरूरत है, सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड करना है। बराबर, इसके एंट्रीज पास करते हैं फटाफट, ये अज्यूम करके कि हमको सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। बराबर, तो पहली एंट्री बैंक में आएगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, देखो पैसा रिसीव कितना हुआ 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 11,90,000। ये पैसा किस बात का है, 2 इक्विटी शेयर 11,90,000। अब जब हमने हिसाब लगाया, जब हमने चेक किया, तो हमको तो अलॉट कितना करना था, सिर्फ 80,000 शेयर्स। तो पहले टेम्पररी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब जो पैसा मेरा आया है, पहली बात तो मेरे को एडजस्ट कितना करना है, सिर्फ 11,20,000, 70,000 तो मुझे रिफंड कर देना है। उसमें भी जो मैंने 14 रुपए मंगवाया है, 14 के दो पार्ट है, 4 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो मैं एडजस्ट करने वाला हूँ 4 रुपए × 80,000, वो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में, कितना आ रहा है 3,20,000। एंड जो 80,000 के हिसाब से 10 रुपए का प्रीमियम मंगाया है, वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कितना 8,00,000। और 70,000 कहाँ जाएगा, रिफंड बैंक में। तो मैं मुझे तीन पार्ट में इस पैसे का हिसाब करना है, 11,90,000 के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो 70,000 को उनको दे दो, 5,000 शेयर की एप्लीकेशन जिन लोगों की लेट आई होगी उन लोगों को बोला कि तुम पैसे लेके चले जाओ, हम सिर्फ 80,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप अपना पैसा लेके चले जाओ। तो मैं थर्ड वाला पहले कर रहा हूँ, 2 बैंक अकाउंट, कितना 70,000, ये पैसा लेके चले गए। अब बचा कितना 11,20,000, जिसके दो पार्ट है, एक शेयर कैपिटल, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमको 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का मिला है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 4 रुपए सिर्फ कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट निकाला 320, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 8,00,000। तो 8,00,000 प्लस 320 प्लस 70, ऐसा करके 11,90,000 का तुम्हारा टैली हो जाएगा। तो ये हुई मेरी फर्स्ट एंट्री जहां पे प्रीमियम था, क्लियर है, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दिया मालूम पड़ गया, और जो 14 रुपए आया उसके दो पार्ट के हुए मालूम पड़ गया तुम लोगों को, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बराबर, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, किसकी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट भी तुमको मालूम है, सिर्फ एडिशनल क्या है, अगर तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाओ तो तुम्हारे पहले वाला सवाल जैसे है ना सेम। बराबर, अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, तो थर्ड एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मंगवाने हैं, 30,000 रुपीज मंगवाने, कितने शेयर्स पर 80,000, 85,000 तो आया था, हमने उसको क्लियर कर दिया। अब हमारे पास कितने शेयर्स के शेयर होल्डर्स हैं, 80,000 शेयर के होल्डर्स हैं, उन लोगों से हम 33 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाएंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 33, 2,64,000, 26,40,000 मंगवाएंगे। अब ये 26,40,000 जो मंगवा रहे हैं वो दो चीजों के, 33 के दो पार्ट है, 3 रुपीज फेस वैल्यू एंड 30 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम, मल्टीप्लाई करते हैं 3 रुपीज × 80,000, 30 रुपीज × 80,000,
तो 240 तो कहाँ जाने वाला है, फेस वैल्यू का, एंड 24 लेख किस बात का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ये 26,40,000 के दो पार्ट हुए, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, सिर्फ 2,40,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 24,00,000। ये तो पैसा मंगवाने की एंट्री है। अब हमने अज्यूम क्या किया, सारा पैसा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो पैसा आ जाएगा। तो फोर्थ एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 26,40,000 टू टेम्पररी अकाउंट क्लोज कर देते हैं, पैसा आ गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 26,40,000 फर्स्ट सेकेंड क्लियर। अब इसी तरीके से हम फाइनल पोल का पैसा मंगवाएंगे, तो वापिस इसी तरह की एंट्री, सिर्फ अलॉटमेंट के नाम क्या आ जाएगा, फाइनल पोल। तो फिफ्थ एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फाइनल पोल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 3 रुपीज है, प्रीमियम प्रीमियम कुछ भी नहीं है, 3 × 80,000 240 मंगवाएंगे। ये पूरा का पूरा 240 के दो पार्ट हो रहे क्या, नहीं हो रहे ना, दो पार्ट का बोलते हैं जब यहाँ पे कुछ होता, एक ही पार्ट है और पूरा का पूरा किस बात का है, शेयर कैपिटल, लगेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 240। ये समझ में आ गया, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे भी लिखते बराबर। और पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट पूरा 240 टू जो टेम्पररी अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे, टू 40। ये तो ऐसा सिचुएशन हुआ कि जहां पे हमने प्रीमियम भी मंगवाया था और सारा पैसा आ गया। ये चीज क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट था। हमने फर्स्ट सम किया बिना प्रीमियम वाला सम, ये सम था प्रीमियम वाला सम। अब इसके ऊपर क्या आएगा, प्रीमियम वाला सम जिसके अंदर तुम्हारा कॉल्स इन अरियर्स भी आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है, कभी ऐसा हो कि कोई शेयर में पैसा ना चुकाए तब कैसे एंट्रीज करेंगे। उसके बाद एक वर्जन ऊपर जाएंगे जहां पर तुम कोई पैसा नहीं चुका पा रहा है और उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो तुम्हारे चार ही लेवल है, एक बेसिक लेवल जो हमने फर्स्ट किया हो, सेकंड ये आएगा, इसका एक थर्ड वर्जन आता है जिसमें पॉलिसी एरियर्स में दो पार्ट होते हैं, एक प्रीमियम का पैसा नहीं आया वैसा वाला और एक प्रीमियम का पैसा आ गया वैसा वाला, और लास्ट जो होता है तुम्हारा 11 एंट्री वाला सम होता है, 8 नंबर में शायद पूछते हैं वो सबको बराबर। तो ये क्वेश्चन 11 एंट्री वाला जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारा टारगेट है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है तुमको समझाने के लिए बराबर। तो ये सब क्लियर है, अब इसी सब के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और ये वाली एंट्रीज मिटा देंगे और हम जो इस सवाल के अंदर दिया हुआ है वो जिसको कंसीडर करेंगे, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी बराबर। अब देखो इसके अंदर, इस सम के अंदर हमने पैसा मंगवाया फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इशू प्राइस 4 रुपए प्लस 10 रुपए 14 रुपए इधर एप्लीकेशन पे 3 रुपए प्लस 30 रुपए 33 रुपए इशू प्राइस किसकी है, अलॉटमेंट की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है यहाँ पे। अब एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ मेरे को 85,000 14 रुपए के हिसाब से 11,000 जिसमें से 5,000 शेयर्स जो 5,000 शेयर्स है उसका 14 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा था मैंने रिटर्न कर दिया, और जो पैसा जहाँ जाना चाहिए था इक्विटी में जाना चाहिए था 3,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना चाहिए था 8,00,000 रुपये वो मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया उससे पहले हमको इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि क्या एक देवामी नाम का शेयर होल्डर है या लेडी शेयर होल्डर है, उन्होंने उनको कितने शेयर मिले थे, 2,000। उस शेयर्स पर उसने ना तो अलॉटमेंट में पैसा दिया ना उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया, मतलब दोनों ही कॉल्स पर उसने पैसा नहीं चुका पाई वो। अब पैसा मंगवाने की एंट्री तो सेम रहेगी, पैसा तो हम सबसे मंगवाएंगे ना, पैसे तो सबसे मंगवाएंगे, ध्यान देना पैसे मंगवाने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट कितना, 80,000 शेयर्स पर कितने रुपए, 33 रुपीज, कितना पैसा मांगेंगे, 26,40,000
टू, ये पैसा किस बात का मंगवा रहे हैं? दो चीजों का मंगवा रहे हैं, एक शेयर कैपिटल का, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो टू शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना आया था? 240 एंड 24 लैक्स। ये तो पैसा मंगवाया तुमने, और तुमको इन्फॉर्मेशन क्या मालूम पड़ी कि 2000 शेयर्स पर देवामी ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक में पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कितने शेयर पे पैसा मंगवाया था? 80,000 पे। अगर 2000 पे नहीं आएगा तो सिर्फ कितने पे आएगा? 78,000 पे नहीं आएगा। मल्टीप्लाई बाय 33 करोगे कितना आ रहा है? 78,000 मल्टीप्लाई बाय 33 25,74,000। इतना ही पैसा रिसीव हुआ। बट हमें, मैंने तुमको बताया था उस टाइम पे, हमको एक लाइन छोड़ देनी है, टू जो टेम्पररी अकाउंट है उसको पूरा क्लोज कर देना है, इक्विटी शेयर और प्रेफर्ड। कितना? 26,40,000। और जो पैसा नहीं आया कितना? 2,000 × 33, 66,000 रुपीज नहीं आया। वो पैसा किस बात का नहीं आया? कॉल्स इन अरियर्स। कितना? 66,000 कैसे आया? 2,000 × 33। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं आगे, फाइनल कॉल की बात करते हैं। अभी तक उसके हमने उसको कुछ बोला है, उसको बोला है ठीक है जब तेरी मर्जी हो तब देना, पर तू पैसा दे दे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? वापस पैसा मंगवा रहे हैं, पैसा मंगवा दे रहे हैं, फाइनल कॉल का पैसा मंगवा दे रहे हैं। एंट्री तो वही हुई, क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 80,000 × 3 रुपीज 2,40,000। टू, ये पैसा किस बात का है? शेयर कैपिटल का, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो टू शेयर कैपिटल कितना? 240। अब जब पैसा आएगा तब वापिस वही हिसाब हुआ कि देवामी ने वापिस से पेमेंट नहीं किया हमको, तो क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बट सिर्फ कितने शेयर पे पैसा आएगा? 2000 पे नहीं आएगा, मतलब कितने पे आएगा? 78,000। 2000 पे नहीं आएगा तो कितने पे आएगा? 78,000 पे आएगा ना पैसा। तो 78,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए मंगवाए थे हमने? 3 रुपए, बराबर। तो कितना पैसा आएगा टोटल? 2,34,000 आएगा। बट हमको मालूम है कि जो टेम्पररी अकाउंट है तो पूरा क्लोज करना है, तो एक लाइन छोड़कर टू शेयर या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 240। और जो पैसा नहीं आया 6,000 रुपए, वो कहाँ जाएगा? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। तो कितना पैसा नहीं आया? 66,000 एंड 6,000। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला सवाल होगा। इसका फर्दर एक्शन क्या होता है? कंपनी डिसाइड कर सकती है कि देवामी को चांस दे कि ठीक है अब तू दे देना पैसा 66 और 6 ब्याज के साथ, और फिर भी अगर देवामी वो पैसा ना चुकाए तो उसके शेयर क्या किए जाएंगे? फॉरफिट। क्या किए जाएंगे? उसके शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। और फॉरफिट में एक सिंगल एंट्री होती है, वो सिंगल एंट्री तुमको सिखा दूंगा मैं, वो तुमको आ जाएगी, तुम्हारा आगे का पॉइंट सब कुछ क्लियर हो जाएगा।